कोडा के पूर्व अध्यक्ष और मास्टर जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के प्रमुख सुंदरराज ने कहा कि शिक्षकों पर छात्रों को भारत का भावी नागरिक बनाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ऐसी जिम्मेदारियों को निभाने वाले सभी शिक्षक हमारे समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर लायंस क्लब सूबेदारी हनुमाकोंडा के तत्वाधान में आज शिक्षक दिवस समारोह में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और आज के समाज में शिक्षकों की जिम्मेदारी को याद दिलाया। सभी शिक्षकों को इस महान पेशे में होने पर गर्व होना चाहिए। लायंस क्लब सूबेदारी हनुमाकोंडा के नेतृत्व में ड्रीम लैंड गार्डन हनुमाकोंडा में शिक्षक दिवस समारोह आयोजित किया गया। इन समारोह में विभिन्न सरकारी स्कूलों ने निजी स्कूलों के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया। सरकारी स्कूलों के शिक्षक ए वेमा रेड्डी, थलापली ग्रेसम्मा, रजवाना याश्मिन, गोली उशरानी डी हैं और रघु ए बुच्ची रेड्डी, के रविंदर रेड्डी, श्रीकोंडा श्रीलता, बुर्रा अशोक, रामगोपाल रेड्डी और अन्य के साथ साथ निजी स्कूलों में काम करने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों मोहम्मद खाजा, फरियुद्दीन, अंतुला सुमन और अन्य को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लायंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर सूबेदारी हनुमाकोंडा वीना श्रीनिवास, सचिव मोहम्मद सलीमुद्दीन, कोषाध्यक्ष नरेंद्र, जोनल चेयरमैन डॉक्टर श्रीकोंडा भास्कर राव, क्षेत्रीय चेयरमैन जन्नापुर रेड्डी, राजी रेड्डी, लायंस क्लब ऑफ सूबेदारी के चार्टर्ड अध्यक्ष नेतानी श्रीनिवास रेड्डी, प्रशासक बुच्ची रेड्डी, उपाध्यक्ष अनिल उपाध्याय, दो कोटिनी श्रीनिवास, बुर्रा अशोक, चंद्रिका और अन्य लायंस क्लब के सदस्यों ने भाग लिया। तेलंगाना हनुमाकोंडा, नवभारत समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट। Back to